Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Assalamu alaikum dear students, welcome to ilm ki duniya on campus tour pe ke aapke imtihanat conduct ho gaye aur aap barha do sawal humse kar rahe hain. Pehla sawal ye ke sir result kab jari kiya jayega aur second question ke sir hum iske baad kaun se career ka intekhab kare, kaun se subject mein aage dakhla le. तो पहले तो हम बात करते हैं आपके रिज़ल्ट के मुतालिक, क्योंकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी ने आपके रिज़ल्ट के मुतालिक जो ऑफिशियली तौर पर एक ट्वीट जारी की, उस ट्वीट के मुताबिक इंटरमीडिएट के तलबा का जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाएगा रावलपिंडी बोर्ड की मुताबिक वो 30 सितम्बर को, यानी 30 सितम्बर को रावलपिंडी बोर्ड जो है इंटरमीडिएट के तलबा का रिज़ल्ट जारी कर देगा. रिज़ल्ट चेक करने के लिए उन्होंने कहा कि आप जो रावलपिंडी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं. उसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब जो जारी किया जाएगा, आपका रिज़ल्ट कैसा होगा. यानी आप अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए विज़िट कर सकते हैं ilmkidunia.com भी. तो आपका जो रिज़ल्ट है वो इंटरमीडिएट के तलबा का रावलपिंडी जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन यानी BISE रावलपिंडी, वो 30 सितम्बर को इंशाल्लाह जारी कर देगी. और इसके बाद जो तलबा इसके बाद पूछ रहे हैं कि सर इंटरमीडिएट के बाद आगे कौन सी फील्ड का इंतखाब करें, कौन से करियर में जाएं, तो डी स्टूडेंट्स आपको आगे अगर अब अपने करियर के बारे से जानना है तो उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्यू लिंक्स जो हैं वो मेंशन कर दूंगा. आप उन लिंक को वाजे तौर पर देख सकते हैं. उन लिंक्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे कि अगर आपने FSC की है प्री मेडिकल तो उसके बाद आपको कौन से करियर का इंतखाब करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए और आगे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए. अगर आपने उसके बाद अगर आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की है तो उसके बाद आपको कौन से करियर में जाना चाहिए, या अगर आपने ICS किया है या आपने FA किया है तो आपने जो से भी सब्जेक्ट्स किए हैं इंटरमीडिएट लेवल पर उसके बाद आपको कौन से करियर का इंतखाब करना चाहिए, या आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है और उससे रेलिवेंट कौन कौन सी आगे फील्ड्स मौजूद हैं जिनमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आप उनमें दाखिला लेकर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं. तो आपके लिए जो भी तालीम के हवाले से इम्तहानात के मुतालिक न्यूज़ होती है हम आप तक लाते रहते हैं. अगर आपके जहन में करियर काउंसलिंग के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो, आपके जहन में तालीम के मुतालिक कोई सवाल हो, तो आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर अपना सवाल लाजमी पुट कर सकते हैं. हम आपके आपके सवाल का जो जवाब है वो लाजमी देंगे. आपके लिए इम्तहानात के मुतालिक तालीम के हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी हम लाते रहेंगे. तालीम की खबरों से आगाह रहने के लिए हमेशा देखते रहिए इल्म की दुनिया. फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.